दोस्तों आज हमारे पास एक iPhone 13 का मोबाइल है जिसके अंदर नो सर्विस का इशू है। तो टाइम को वेस्ट ना करें, सीधे हम चले जाते हैं। इसका मॉडेम की फर्मवेयर अवेलेबल है या नहीं एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अबाउट पे जाएंगे, जनरल पे जाएंगे और अबाउट पे जाके इसको चेक करेंगे। इसका मॉडेम की फर्मवेयर अवेलेबल नहीं है। अगर मॉडेम की फर्मवेयर अवेलेबल नहीं होगा तो हम देखेंगे कि इसका सैंडविच बोर्ड वगैरह इशू होगा। एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए इसका मॉडेम की फर्मवेयर अवेलेबल है और इस पर सिम वर्क नहीं कर रहा है। तो एक बार IMEI चेक कर लेते हैं। IMEI इस पर शो नहीं हो रहा है। जितना दूर मानना है कि इस पर नेटवर्क आने के बाद शायद IMEI शो करेगा। और ऐसे तो इसका IMEI शो हो जाता है जब इसको चेक किया जाता है इमरजेंसी पे। चलो इसके अंदर क्या हुआ है कि जो टेक्नीशियन मेरे पास सेंड किए हैं उनका बोलना है कि सैंडविच बोर्ड को रिबल करने के बाद ये मसला आ गया है। तो पहला हमारा काम है इसका सैंडविच बोर्ड को देखना है और किस तरह से रिबल हुआ है वो भी नोटिस करना है। सैंडविच बोर्ड अच्छी तरह से रिबल ना होने से ये मसला आता है, ये हमको भी पता है। लेकिन हम जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलेगा तब तक सैंडविच बोर्ड को हम रिबल नहीं कर सकते। तो एक बार सैंडविच बोर्ड को हम देखेंगे कि एक्चुअली किस तरह से, एक बार आई स्कैन कर लेते हैं इसको अच्छी तरह से। यहाँ से तो सही लग रहा है, एक बार देखते हैं नीचे की तरफ, ये भी सही है। लगभग यहाँ से सही नहीं लग रहा है, कुछ बॉल आपस के साथ कनेक्टेड नहीं है। हाँ ऐसा ही है लग रहा है, जो कि इसका रिबलिंग अच्छी तरह से नहीं हुआ है। कुछ कुछ बॉल में आपस में टच हो गए हैं और कुछ कुछ बॉल टच नहीं हुआ है। तो सीधे हम चल जाते हैं हमारा प्री हीटर के पास और प्री हीटर पे हम इसको हीटिंग करेंगे। जो प्री हीटर पे हम इसको हीटिंग करेंगे, मैं कम्प्लीटली वीडियो बनाता हूँ इसीलिए क्योंकि जो भी टेक्नीशियन ये वीडियो को देखे उनको कुछ नॉलेज मिल जाएगा। यहाँ से जो प्री हीटर पे मैंने रखा हूँ 220 टेम्परेचर में यूज़ कर रहा हूँ और टाइम यहाँ से 15 मिनट में ले रहा हूँ। वीडियो को यहाँ से फास्ट किया गया है क्योंकि 15 मिनट अभी मेरा टेक्नी आप भी हो मैं भी हो, वीडियो देखने के लिए मज़ा नहीं आएगा। ये 15 मिनट के अंदर आराम से ओपन हो जाएगा। अभी इसका हमारी सेकंड प्रोसेस क्या रहेगा, डिसोल्डरिंग वायर की मदद से इसको साफ़ करना है। तो इसको पहले साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद हम रिबल की प्रोसेस को किस तरह से करते हैं स्टेप बाय स्टेप आप देख लीजिए। हो सके तो आप भी कोशिश कीजिए, एक प्री हीटर लाके इसको कोशिश कीजिए। पहले स्क्रैपर बोर्ड से कोशिश कीजिए, धीरे धीरे सक्सेस होने के बाद आप मतलब मेन बोर्ड पे हाथ देंगे। यहाँ से जो पीपीडी में यूज़ करूँगा 158 और टेम्परेचर का पीपीडी में यूज़ करूँगा। और यहाँ से जो रिबलिंग की प्रोसेस है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, आप भी देखो। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है जब काम नीट एंड क्लीन से नहीं हो पाता है तो ये इस टाइप का प्रॉब्लम शो होता है। तो चलिए दोस्तों इसको हम कम्प्लीटली रिबलिंग करते हैं और उसके बाद चेक करते हैं।
तो यहाँ से हमारी अमोय कंपनी का रिबलिंग प्लेट है, इसके ऊपर हम रख के इसको रिबलिंग करेंगे। और रिबलिंग करने के बाद हम इसको साइड से कैसे उठाते हैं वो भी देखिए, वो भी मतलब सबका ट्रिक होता है। ऐसे तुरंत कोई नहीं उठाने से ये आपस में जुड़ जाएगा, तो इसको उठाने का भी तरीका होता है। तो किस तरह से मैं इसको ओपन करता हूँ वो भी देखिए। धीरे 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 हम पहले एंड्रॉयड पे काम करते आ रहे थे, तो धीरे धीरे आईफोन के ऊपर पे भी काम करेंगे, कोई इशू नहीं। देखो आपका हैंड स्किल अच्छा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आपका हैंड स्किल अच्छा नहीं है तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। नीचे की तरफ जो मैग्नेट है, मैं मैग्नेट को पहले हटा देता हूँ, उसके बाद मैं ऊपर का जो प्लेट है ओपन करने पे मेरे को इतना दिक्कत नहीं होगा, आराम से ओपन हो जाएगा। ये देखिए कितना आराम से ओपन हो गया। अब यहाँ से इसको मैं रिवल करूँगा, रिवल करने का प्रोसेस मैं बता रहा हूँ। ये जो बोर्ड है, बोर्ड को मैं सीधे ले जा रहा हूँ किसके पास, हमारा प्री हीटर के पास। प्री हीटर को थोड़ा सा गर्म करता हूँ और ऊपर से हम SMD की सहायता से इसको रिवलिंग कर लेंगे। प्री हीटर और SMD एक साथ आप लगाएंगे तो जल्दी काम हो जाएगा। यहाँ से मैं SMD यूज कर रहा हूँ, क्विक 857DW, और एयर रख रहा हूँ, सॉरी टेम्परेचर इस पे 250, 250 के टेम्परेचर पे इसको रिवल कर रहा हूँ। और 158 डिग्री, मतलब 158 टेम्परेचर का PPD मैं इस पे यूज़ किया हूँ, तो इस पे इतना टाइम नहीं लगेगा रिवल होने पे। देखो ये कितने आराम से रिवल हो जा रहा है, नीचे 220 टेम्परेचर है इसीलिए रिवल हो जा रहा है जल्दी। रिवल कम्प्लीटली हो गया। अब इसको हम हमारे सेकंड प्रोसेस क्या रहेगा, इसको फ्लक्स वगैरह यूज़ करेंगे, और फ्लक्स भी अच्छा होना चाहिए। यहाँ से फ्लक्स हमने यूज़ कर रहे हैं, और फ्लक्स क्या यूज़ कर रहे हैं, अमोय का फ्लक्स यूज़ कर रहे हैं जो कि सबसे अच्छा फ्लक्स है, और ट्रांसपेरेंट के हिसाब से ये बहुत ही अच्छा है। जितना ट्रांसपेरेंट का फ्लक्स आप यूज़ करेंगे उतना ही अच्छा है, और ये देखा जाए तो ये ज़्यादा गंदगी नहीं होता है। तो फ्लक्स यूज़ करने के बाद हम वही सेम प्रोसेस जो हमारी प्री हीटर फिर यूज़ करेंगे, और इसको हम आपस में जो हमारा मेन बोर्ड होता है और ऊपर का बोर्ड होता है ये दोनों को हम पेस्ट करेंगे, मतलब जो रिवलिंग हुआ था उसको पेस्ट करेंगे। देखो इस पे थोड़ा सा माइक्रोस्कोप के मैं सहायता लिया, मेन माइक्रोस्कोप की, क्योंकि जो हमारी बैलेंसिंग है उसको हम सही करना है और अच्छी तरह से हमको इधर उधर ना हो, इसीलिए मैं मेन माइक्रोस्कोप को यूज़ किया। यहाँ से मैं टाइम ले रहा हूँ 10 मिनट्स, और टेम्परेचर 220, और SMD की सहायता से थोड़ा सा ऊपर पे मैंने हीट दे रहा हूँ क्योंकि जल्द से जल्द ये काम हो जाए, हम ज़्यादा टाइम प्री हीटर पे नहीं रखना चाहते हैं। तो ये काम हो गया दोस्तों, अभी मेरे हिसाब से इसको थोड़ा सा हम साइड से टिचकी देके चेक करते हैं कि ये हो रहा है कि नहीं। देखो अगर आपको लगे कि मतलब पहले जो मेरे पास आया था ये थोड़ा सा हल्का सा बेंड था, इसीलिए मैं साइड की तरफ थोड़ा सा टच किया, नहीं तो टच नहीं करने वाला था। तो अभी हम इस पे चेक करेंगे, जो सिम मैंने लगाया था वो सिम को मैंने आपको और एक बार देखा था, और यहाँ से चेक करेंगे कि एक्चुअली जो प्रॉब्लम हमारी था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया या नहीं। आप सोच रहे हैं कि ये 9 मिनट का वीडियो ही इतना जल्दी कैसे बन गया, इतना जल्दी दोस्तों नहीं बनता है। थोड़ा सा इस पे वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया गया है क्योंकि फास्ट फॉरवर्ड होने से देखने के लिए अच्छा है, और आपको सिर्फ मैंने तरीका और ट्रिक बताने के लिए ये वीडियो को मैंने बनाया हूँ। ये ऑन हो गया, ऑन होने के बाद अब हम चेक करेंगे हमारी जो नेटवर्क का इशू था वो नेटवर्क आ रहा है कि नहीं। ये देखिए दोस्तों सक्सेसफुल, इस पे हमारा जो नो सर्विस का इशू था वो सक्सेसफुल हो गया और IMEI भी शो करने लगा। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलेंगे एक अच्छे वाले टॉपिक के साथ।